मंत्री बीडी कल्ला ने भरतपुर में बिजली, पेयजल और संग्रहालय से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं की समीक्षा के बाद निर्देश भी दिए। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी बीडी कल्ला से मिलने के लिए पहुंचे। इस खास मौके पर मंत्री बीडी कल्ला ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में फिल्म पानीपत विवाद, कांग्रेस की भारत बचाओ रैली समेत कई मुद्दों पर राय जाहिर की। बीडी कल्ला आज भरतपुर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, उनसे चर्चा करेंगे। सर, आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर अधिकारियों के साथ मीटिंग, क्या समस्या सामने? अधिकारियों के साथ जो हमारे बजट में घोषणाएं की हुई है जलदाय विभाग की और हमारे डिस्कॉम की, उन सब की समीक्षा की गई है। 33 KV GSS, 132 KV GSS और अन्य समस्याओं के बारे में ध्यान दिया गया है और ख़ास तौर से बिजली की छिछत के बारे में उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इनके बारे में बातचीत की। देखिए, जो इतिहास पुरुष हैं उनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी लेने के बाद ही फिल्म का फिल्मांकन करना चाहिए। उनके बारे में बिना जाने कोई गलत जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से आक्रोश पैदा होता है। तो फिल्म के जितने भी निर्माता हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास की चीज़ों के साथ तोड़ मरोड़ कर उनको नहीं पेश करना चाहिए। इस रैली में कम से कम 50,000 आदमी राजस्थान से जाएंगे, इससे अधिक ही जाएंगे। इसके लिए बराबर सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक रैली होगी। इकोनॉमिक स्लो डाउन जो चल रहा है, जो केंद्र की सरकार एक तरफ कहती है कि हम खबरों